एक घंटे से ज्यादा लंबी बातचीत, बेनतीजा रही सैन्य कमांडरों की बातचीत, वादे के बाद भी चीनी सेना हटने को नहीं तैयार। क्या अब सर्दी गिरने तक जारी रहेगा तनाव? भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 10 घंटे से भी लंबी चली मैराथन बातचीत के नतीजे को लेकर हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिक पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर इस बातचीत में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बातचीत का मुख्य फोकस पेंगोंग सो का फिंगर फोर इलाका था। इस वार्ता से तीन चीजें उभर कर सामने आई। पहला, सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दूसरा, दोनों पक्षों ने अपने सैनिक पीछे हटाने को लेकर बातें तो काफी की, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाई। तीसरा, पेट्रोल पॉइंट 14 समेत कुछ इलाकों से दोनों तरफ से सैनिक पीछे हटे थे, लेकिन वो सिर्फ सांकेतिक ही साबित हुआ। ऐसे में जब करीब 10 घंटे लंबी बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली सर्दी ही इस तनाव को ठंडा कर सकती है, क्योंकि इस इलाके में सर्दी में सैनिकों के लिए पेट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगी और सैनिकों को मजबूरी में अपने ठिकानों पर लौटना होगा। तब तक इस तरह की बातचीत जारी रहने की उम्मीद है ताकि हालात और खराब ना हो। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिक हटाना तो दूर, उल्टे चीनी तरफ एलएसी पर पिछले 72 घंटों में सैनिकों का जमावड़ा और बढ़ा है। चीन ने अपने और सैनिक वहां तैनात कर लिए हैं। सैनिकों के हटने के कोई निशान नहीं दिख रहे, खासकर पेंगोंग सो और हॉट स्प्रिंग्स इलाकों में। इन इलाकों में भारत भी मजबूती से डटा है। जिस तरह से दोनों तरफ से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा है, वो आपसी भरोसे की कमी साफ दिखलाता है। वैसे भी चीन पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। चीन की एक हमेशा से खासियत रही है, और खासियत ये रही है कि वो हमेशा अपने क्लेम लाइन को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उनके प्रधानमंत्री ने 59 में हमारे प्रधानमंत्री को एक नक्शा दिया था जो तकरीबन इतना बड़ा था, और इस नक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी क्लेम लाइन मार्क कर रखी थी कि ये हमारी क्लेम लाइन है। अब इस नक्शे को अगर आप जमीन पर उतारने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर है, और इसी गड़बड़ का वो लोग फायदा उठाते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच इस समय 4 पॉइंट्स पर तनाव है। पेंगोंग सो में फिंगर फोर रिज लाइन, गलवान वैली पेट्रोल पॉइंट 14, हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोल पॉइंट्स 15 और 17 ए। फिंगर फोर की रिज लाइन पर दोनों देशों की सेना आमने सामने है। जिस जगह पहले दोनों तरफ की सेना पेट्रोल करती थी, वहां पर चीनी सेना स्थायी रूप से बैठ गई है। टकराव वाली जगह और बातचीत के मोर्चे पर जिस तरह से चीनी सेना अड़ी है, उसे लगता है कि पीएलए नेतृत्व फिंगर फोर पर कब्जे को लेकर अपना हट छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक चीन की मंशा तो भारतीय सीमा में पश्चिम की तरफ और आगे बढ़ने की है, लेकिन भारतीय फौज की मौजूदगी से उसके पांव ठिठके हुए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग्स इलाके में हालात उतने खराब नहीं हैं, लेकिन पेंगोंग सो में इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ दोनों तरफ से सेना बिल्कुल आमने सामने है। जिस रास्ते बातचीत हो रही है, उससे लगता है तनाव घटाने के लिए पेंगोंग झील के जमने तक इंतजार करना होगा।